नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बिजनेस न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज के हेडलाइंस पर। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई के लिए पेश किया नया फीचर, अब हेलो यूपीआई बोलने से होगा पेमेंट। और मसूर दाल की जमाखोरी रोकने की सरकार की पहल सराहनीय, भाव से रखने में मिलेगी मदद। भारतीय दलहन एवं अनाज संघ आईपीजीए के चेयरमैन बिमल कोठारी ने मसूर दाल का भाव नियंत्रित करने से जुड़ी केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय की पहल का स्वागत किया है। कोठारी ने कहा कि इससे दाल की जमाखोरी रोकने में मदद मिलेगी और मुनाफाखोर अनुचित लाभ नहीं उठा पाएंगे। बाजार में मसूर दाल का भाव स्थिर रहेगा। अगस्त में अधिकांश प्रदेशों में बारिश न होने से खरीफ में दलहनी उपज कम हो सकती है। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने हर सप्ताह दाल के स्टॉक की जानकारी साझा करने की हिदायत दी है। व्यापारियों को यह जानकारी हर शुक्रवार को पोर्टल पर देनी होगी। केंद्र का कहना है कि मसूर का अघोषित स्टॉक जमाखोरी माना जाएगा और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इलेक्ट्रिक स्कूटर उद्योग में पथ प्रदर्शक बिगोस ने इलेक्ट्रिक स्कूटर बिगोस C12iX लॉन्च किया है। कंपनी के अनुसार यह नया स्कूटर शहरी परिवहन में संपूर्ण बदलाव के लिए तैयार है। C12iX को इसकी लॉन्चिंग के महज 3 महीनों में ही 6,000 ग्राहक मिल चुके हैं। इस जबरदस्त सफलता का अनुसरण करते हुए C12iX स्कूटर C12 सीरीज में एक उत्कृष्ट वृद्धि के रूप में आया है। HDFC बैंक ने एंड टू एंड डिजिटल उपभोक्ता ऋण कार्डलेस EGEMI लॉन्च करने की घोषणा की है। बैंक ने सभी के लिए ऋण सक्षम करने वाला मंच 100% डिजिटल फर्स्ट पे शॉप के साथ साझेदारी की है। इस कार्ड का अनावरण मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में किया गया। यह अभिनव पेशकश पूरी तरह से डिजिटल और निर्बाध ऋण अनुभव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। टाटा ग्रुप मशहूर कंपनी हल्दीराम को खरीदने की तैयारी कर रहा है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। हालांकि टाटा कंज्यूमर ने स्नैक्स बोर्ड निर्माता हल्दीराम में हिस्सेदारी खरीदने की रिपोर्ट का खंडन किया है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यूके की चाय कंपनी टेटली का मालिक है और भारत में स्टारबक्स के साथ साझेदारी करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टाटा 51% से अधिक की हिस्सेदारी खरीदना चाहता है, लेकिन उनका कहना है कि हल्दीराम की मांग बहुत अधिक है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई के लिए नया फीचर पेश किया है। NPCI ने यूपीआई पर कई नए पेमेंट ऑप्शन प्रोडक्ट पेश किए हैं। इनमें बोलकर यानी वॉइस मोड से पेमेंट करने की सर्विस भी शामिल है। रिजर्व बैंक ऑफ RBI के गवर्नर शशिकांत दास ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के नए प्रोडक्ट पेश किए हैं। ऐप, फोन कॉल और IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी में आवाज से UPI पेमेंट किया जा सकता है। माना जा रहा है कि UPI को और अधिक पॉपुलर बनाने के साथ ये फीचर एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। हेलो UPI जल्द ही देश की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BCN न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज के हेडलाइंस पर। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने UPI के लिए पेश किया नया फीचर, अब हेलो UPI बोलने से होगा पेमेंट। और मसूर दाल की जमाखोरी रोकने की सरकार की पहल सराहनीय, भाव से रखने में मिलेगी मदद। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।